बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं मदीन से जा रहा हूँ बिशीग्राम लेक की तरफ। ये लेक मदीन से तकरीबन 12 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। कुछ रास्ता जीप ट्रैक का है और कुछ पैदल। रात में मालम जब्बा से मदीन तकरीबन इशा के बाद पहुँचा था, और मालम जब्बा पर मैंने दो वीडियोस बनाई हैं और उन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि बिशीग्राम लेक तक का रास्ता कैसा है। इसके बाद सेकंड पार्ट है, उसमें पैदल ट्रैक होगा, और इसके बाद थर्ड पार्ट होगा, उसमें बिशीग्राम लेक तक पहुंचेंगे।
अभी हम वहाँ ऊपर से आए हैं, बहुत ज़्यादा उतराई थी और यहाँ पानी में से गुजरे हैं। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है और गहरा है तकरीबन 1 फुट। काफ़ी अच्छी जगह है, सर्दी भी इतनी नहीं है यहाँ पे। अभी लेक का रास्ता इधर से काफ़ी आगे है, कह रहे हैं कि आगे जाके बाइक का रास्ता नहीं है, आगे पैदल है और पैदल तकरीबन 2 से 3 घंटे का सफ़र है, तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है। बाइक वो ऊपर खड़ी कर ली है जाके। अभी यहाँ तक पहुँच गए हैं और ये मेरे ख़्याल से आखिरी चढ़ाई थी जो बाइक ने चढ़ी है, बड़ी मुश्किल, इसके बाद नहीं चढ़ेगी। अभी इधर बाइक रोक के फिर आगे पैदल ट्रैक है, आगे पैदल जाना पड़ेगा। बाइक इधर कहीं भी किसी के घर के पास, उनको बोल के रोक सकते हैं, कोई मसला नहीं, अच्छे लोग हैं यहाँ पे। बस ये है कि बाइक फंसी हो तो धक्का नहीं लगाएंगे और बाकी ठीक है। ये नीचे दरियाए सवात है, बहुत ही गहराई है यहाँ पे। फिर सर्दियाँ शुरू हो गई हैं लेकिन फिर भी धूप बहुत तेज़ है और पसीना आ रहा है, तो बाइक के साथ अपना भी पूरा जोर लगता है इसलिए। चलो देखते हैं, अभी आगे चलते हैं, थोड़ी देर तक पैदल ट्रैक शुरू हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।